अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? सब दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेक्नो कैमन 20 प्रीमियर के बारे में। और इस फोन का डिजाइन देख के हमें काफी खुशी होती है, और इस फोन का जो डिजाइन है और इस फोन की जो लुक है वो काफी इंटरेस्टिंग बनाई है। और टेक्नो ने इस डिजाइन के ऊपर काफी टाइम दिया होगा, काफी मेहनत लगी होगी, जिससे दोस्तों ये डिजाइन निकल के सामने आया। अब यहां पर अगर देखा जाए तो भाई कलर्स की बात करें तो कलर्स भी आपको काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई यहां पर आपको ये दो या तीन कलर्स के अंदर अवेलेबल होगा। और इस फोन को कब लॉन्च किया जा रहा है, कितनी प्राइस के साथ ये फोन लॉन्च किया जाएगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो आप टेक्नो कैमन 20 प्रीमियर के बारे में जान सकेंगे कि ये फोन आपको कितनी वैल्यू दे सकता है, कब ये फोन लॉन्च हो सकता है, और साथ में ये फोन कितनी प्राइस के साथ लॉन्च किया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहना। बात करते हैं अब इस फोन के हवाले से। सबसे पहले इस फोन के अंदर आपको फुल HD के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं, और इसमें सबसे हाइलाइटिंग अगर फीचर की बात की जाए ना, वो यही होगा कि इस फोन के अंदर आपको रिफ्रेश रेट काफी हाई का देखने को मिला, और इसके अंदर आपको 8GB रैम वर्चुअल देखने को मिलेगी, जो कि काफी 16GB रैम बन जाती है। 8GB वाला वेरिएंट है और 8GB वर्चुअल रैम है, तो यहां पर ही दोस्तों आपके 16GB रैम बन जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे दोस्तों आपकी स्पीड जो है वो काफी हाई हो सकती है। अब मैं बात करूंगा कि ये फोन आपको गेमिंग के हवाले से किस तरह की वैल्यू दे सकता है, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स होते हैं जो आपको इतनी चीजें प्रोवाइड करने के बाद भी आपको इतनी वैल्यू नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये एक टेक्नो कैमन 20 प्रीमियर के साथ है, टेक्नो की ब्रांड है, और यहां पर बात करेंगे कि ये फोन आपको गेमिंग के हवाले से इतनी जो फीचर स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं वो आपको वैल्यू दे सकते हैं, आपकी इतनी ही गुजारा आपका अच्छा कर सकते हैं। तो बात करेंगे इन स्पेसिफिकेशंस के हवाले से। सबसे पहले देखा जाए तो भाई आपको इस फोन के अंदर जो है वो एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा पैनल रखा गया है। अब यहां पर IPS LCD का पैनल भी दिया जा सकता था। अब इससे पहले मैंने एक फोन जो है वो बनाई है वीडियो, जिसके अंदर IPS LCD का पैनल आया, 90Hz का रिफ्रेश रेट आया, जो कि काफी कम था उस हिसाब से, उस प्राइस के हिसाब से मैंने बात की है। और वहां पर दोस्तों उसके मुकाबले में मुझे लगता है कि आप टेक्नो कैमन 20 प्रीमियर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इससे अगली वीडियो में मैं आपको इसका कंपैरिजन बना के दिखाऊंगा, जिसमें तो फिर आप एक अच्छी वैल्यू और एक अच्छा स्मार्टफोन सिलेक्ट कर पाएंगे, और वो प्राइस के अंदर भी कम होगा, और एक आप अच्छा फोन ले पाएंगे। लेकिन अगर आप इस फोन की जानब जाते हो ना, तो मैं कहूंगा कि यार इस फोन को आप ले सकते हैं, लेकिन आप इस फोन का इंतजार कर सकते हैं, कब ये फोन लॉन्च हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी ये फोन लॉन्च होगा, ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये फोन मार्केट के अंदर और साथ में आपके हाथों पर होगा अगर आप इस फोन को लेना चाहेंगे। बात कर लेते हैं कि रिफ्रेश रेट 120Hz का रिफ्रेश रेट रखा गया है, और साथ में परफॉर्मेंस वाइज की बात करें क्लियर है, सीरियसली क्लियर है। क्यों? क्योंकि इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, और साथ में जो आपको चिपसेट देखने को मिला है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का देखने को मिला है। और इसके अंदर दोस्तों आपके जो गेमिंग होंगी वो एक अच्छी खासी होगी, मतलब PUBG वगैरह इस तरह की गेम्स को आप इजीली खेल सकते हैं। अगर कोई और भी गेम आप खेलना चाह रहे हो जो हाई लेवल के अंदर आ जाती है, वो भी आप इजीली खेल सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर चिपसेट भी अच्छा खासा दिया गया है पावर वाला, और साथ में आपको जो रैम है वो आपको काफी तबाही की दी गई है, मतलब 16GB 8GB का वेरियंट होगा, 8GB वर्चुअल रैम होगी, 128GB होगी, 256GB हो, और साथ में 512GB वाला वेरियंट भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस फोन के कैमरे वाइज के हवाले से, जो कि किलर कैमरास देखने को मिले हैं, और एक अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे, और आपको एक अच्छे मेगापिक्सल्स के साथ ये कैमरास प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेन सेंसर इस फोन का बैक साइड पर जो होगा वो एक तो मेन सेंसर, और साथ में ये बैक साइड पर ट्रिपल सेटअप कैमरा प्रोवाइड कर रहा है। मेन सेंसर आपको 8 मेगापिक्सल का 108 मेगापिक्सल का देखने को मिला है, सेकंड कैमरा आपको देखने को मिला है यहां पर 13 मेगापिक्सल का, और लास्ट जो देखने को मिला है वो आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिला है, और जो सेल्फी देखने को मिलेगी वो यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल या तो 32 मेगापिक्सल की देखने को मिलेगी, इन दोनों में से आपको एक सेल्फी देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सेल्फी आपको 16 मेगापिक्सल की, लेकिन बताया भी जा रहा है कि 16 मेगापिक्सल की एक्सपेक्ट हो जाएगी, कि 16 मेगापिक्सल है, 32 मेगापिक्सल तक नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं, और यहां पर मैं आपको फिगर बता रहा हूं कि इनमें दोनों में से एक हो सकती है। बात करेंगे कि यहां पर आपको बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी। इससे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन की लॉन्च रेट के हवाले से और प्राइस के हवाले से। सबसे पहले यह फोन इंडियन मार्केट के अंदर आएगा, और 20 से 25 हजार के अंदर यह फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर प्राइस आपको और यहां पर वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी, यह भी चीज नोट कर सकते हैं, और साथ में 20 से 25 हजार के अंदर एक अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। साथ में बात करें कि लॉन्च कब किया जाएगा, तो ये भाई मई के अंदर लॉन्च किया जाएगा, पहले वीक या दूसरे वीक के अंदर ये फोन
लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पर अप्रैल चल रहा है तो आपको मई के अंदर ये फोन देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान में आप यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी कोई भी जो है वो चांसेस नहीं है कि फोन लॉन्च हो, क्योंकि पाकिस्तान के हालात के आपको बारे में पता ही है कि किस तरह के चल रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी टाइम लग सकता है कि पाकिस्तान में ये फोन कब आएगा, क्योंकि अभी इंडिया में आएगा उसके बाद ये फोन पाकिस्तान में आएगा। बात करते हैं अब यहाँ पर कि बैटरी इस फोन की क्या है। 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन अभी तक दोस्तों इस फोन के अंदर जो फास्ट चार्जिंग है वो काफी हाई की देखने को मिली है, 67 वाट देखने को मिलेगी। तो इतनी अगर देखने को मिल जाए तो मैं कह सकता हूं कि एक अच्छी वैल्यू इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। तो बात करें तो यहां पर सारे ऑलमोस्ट सारे फीचर्स अगर देखा जाए तो काफी हाई के देखने को मिले हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि इतनी प्राइस के अंदर ये फोन अच्छी वैल्यू देगा। और वीडियो अच्छी लगी इस फोन का आपने वेट कर लेना है भाई, बहुत ही अच्छा है। और आपका जहन होगा कि इस फोन की जानब आप जाना चाह रहे हो नहीं जाना चाह रहे, इससे अगली वीडियो के अंदर मैं इन दोनों फोन्स का, मतलब इस फोन का और साथ में इन्फिनिक्स नॉट 30 का जो है वो मैं आपको कंपैरिजन बना के दिखाऊंगा कि इन दोनों फोन में से आप कौन सा फोन ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ।